एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2021 का लगातार अभ्यर्थियों के कमेंट्स आ रहे, लगातार इंतजार हो रहा है, क्योंकि यहां पर एसएससी की तरफ से ट्वीट करके बताया गया था कि 10 से लेकर 15 जून के बीच में आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, लेकिन उससे पहले दो बार आपका जो नोटिफिकेशन की डेट है उसे एसएससी की तरफ से पोस्टपोन कर दिया गया था। लेकिन दोस्तों उसमें एसएससी की तरफ से रीजन भी बताया गया कि कोविड को देखते हुए पोस्टपोन किया गया, लेकिन अब एक बार फिर नॉर्मल सिचुएशन होती हुई दिखाई दे रही है और ऐसे में फिर से एक बार भर्ती प्रक्रियाएं भी शुरू होने जा रही है। बिल्कुल दोस्तों डीएसएसबी दिल्ली पुलिस के फिजिकल की जो डेट है वो जारी हो चुकी है और वो भी दोस्तों इसी महीने से शुरू होने जा रही है। तो दोस्तों यहां पर आपके ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, तो ये कोई ज्यादा इफेक्ट वाला काम नहीं है, लेकिन अभी तक एसएससी की तरफ से कोई नोटिस या अपडेट जारी नहीं किया गया है कि कब तक जारी होगा, लेकिन दोस्तों ट्वीट करके ये जानकारी बताई गई है आखिर कब तक, क्योंकि आज तारीख हो चुकी है दोस्तों, यहां पे 13 जून हो चुकी है और 15 जून तक आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने वाला है। तो बिल्कुल दोस्तों आज आपका यहाँ पर, अगर आज की बात करें तो आज रविवार है और रविवार के दिन यहाँ पर गवर्नमेंट छुट्टी होती है, ऐसे में क्या आज शाम को ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ सकता है या नहीं। साथ ही दोस्तों क्या एक बड़ी अपडेट आई है, लगातार अभ्यर्थी कमेंट कर रहे हैं कि क्या सर एजुकेशन क्वालिफिकेशन में किसी प्रकार का बदलाव एसएससी की तरफ से किया गया है, नहीं किया गया है, क्या 10th में 50% से ऊपर वाले कैंडिडेट ही एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती का फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, क्या एज में छूट मिलेगी, वैकेंसी क्या 40,000 पदों पर ही आएगी या वैकेंसी बढ़ी हुई आएगी। तो बिल्कुल दोस्तों इसको लेकर सारे के सारे आपके डाउट्स क्लियर करने वाले वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित रहने वाला है। वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा, साथ वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पे अगर आप पहली बार आए तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती के रिगार्डिंग हर प्रकार की लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचते रहे। साथ ही दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आप कौन सी फोर्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी या असम राइफल, आप अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दें। अब दोस्तों मैं जानकारी बताऊं, उससे पहले आपको एक छोटी सी जानकारी बता देता हूं, अगर आप एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हमने एक टेस्ट सीरीज, मतलब एक टेस्ट रखा है ऑनलाइन टेस्ट, और वो लगभग 10,000 के लगभग कैंडिडेटों ने दे भी दिया है, आप भी वो टेस्ट फ्री वाला जरूर दे और अपनी रैंक भी जरूर देखें, जिससे आपको पता चलेगा कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं 100 में से। 2018 का आया हुआ पूरा पेपर है ऑनलाइन, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही बात करें तो दोस्तों आप यहां पर देख रहे हो जी न्यूज में ये बड़ी न्यूज पब्लिश की गई है, इन्होंने खुद बताया कि कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से जीडी कांस्टेबल के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन कल यानी 10 जून को जारी किया जाना था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर ट्वीट करके फिर से एसएससी ने जानकारी दी है कि नोटिफिकेशन आपका 10 से 15 जून को ही आएगा और आज 13 जून हो चुकी है, तो अब आपका नोटिस कभी भी जारी हो सकता है। बिल्कुल दोस्तों एसएससी ज्यादातर जो नोटिफिकेशन जारी करती है वो शाम के वक्त ही जारी करती है, चाहे वो एडमिट कार्ड हो, रिजल्ट हो या फिर नोटिफिकेशन हो, तो हो सकता है शाम को आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो जाए। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी बता देता हूं, यहां पर आप देख ले जिसको देखकर लगातार अभ्यर्थी कमेंट कर रहे, आवेदन की योग्यता। बिल्कुल दोस्तों इन सभी पदों के लिए आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को 10वीं पास किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से होना चाहिए, यह बात तो सही है, लेकिन दोस्तों 10वीं में आपके 50% अंक भी होना चाहिए, तो ये एक पॉइंट है जो कि न्यूज में पब्लिश किया गया है। लेकिन दोस्तों मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूं, क्योंकि अभी तक एसएससी की तरफ से कोई नोटिस का जारी करके एजुकेशन क्वालिफिकेशन में चेंज करने का कोई नोटिस जारी नहीं किया है। तो बिल्कुल दोस्तों आप यहां पर देख लीजिएगा, अगर आपका 10वीं में 50% से भी कम नंबर है, अगर आप 10वीं केवल क्वालिफाई है 33% नंबर के साथ में भी, तो भी आप एसएससी जीडी कांस्टेबल का फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। बिल्कुल दोस्तों ये एक बात गलत है कि 50% होने चाहिए। तो अभ्यर्थी लगातार कमेंट कर रहे थे कि सर क्या 50% वाला नियम इस बार लागू हो जाएगा, तो बिल्कुल भी नहीं हुआ है दोस्तों। और बात करते हैं तो आपकी वैकेंसी काफ़ी अच्छी वैकेंसी आएगी, क्योंकि 2018 में जो वैकेंसी आई है उसमें लगभग 60,000 पदों का रिक्रूटमेंट निकाला गया था। और साथ ही दोस्तों अगर आपकी वैकेंसी, आपका रिक्रूटमेंट आता है और रिक्रूटमेंट में अगर आपकी वैकेंसी 50 से 60,000 भी अगर होती है,
तो एसएससी बाद में भी वैकेंसी इंक्रीज कर सकती है, ऐसा 2011 की एसएससी जीडी जिसमें 49,000 पर वैकेंसी आई थी लेकिन बढ़ा के 1,00,000 कर दिया गया था। 2015 में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, 2018 में भी वैकेंसी बाद में जब रिजल्ट आने वाला था उससे पहले वैकेंसी को इंक्रीज किया गया था। और दोस्तों इस बार भी हो सकता है आपका जो रिक्रूटमेंट आएगा वो तो कन्फर्म है कि काफ़ी बड़ा आएगा, क्योंकि लंबा समय हो चुका है और एसएससी को भी पता है कि कोविड की तीसरी लहर भी आने वाली है, ऐसे में भर्ती प्रक्रिया वो लंबी जा सकती है। तो दोस्तों यहां पर मैं आपको बता देता हूं एज क्रिटेरिया को लेकर भी अभ्यर्थियों के डाउट बने हुए कि क्या सर 2 साल की छूट मिल पाएगी, क्या नेगेटिव मार्किंग इस बार होगी। दोस्तों 15 जून से पहले पहले आपका ऑफिशियली नोटिफिकेशन आने के पूरे पूरे चांसेज है। अगर नोटिफिकेशन 15 जून तक नहीं आता है तो उससे पहले एसएससी आपको नोटिस जारी करके ज़रूर बताएगी कि कब से आपके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे। तो एसएससी की तरफ से पूरी तैयारियाँ यहाँ पर कर ली गई है और अब जल्द ही आपका नोटिफिकेशन जारी होगा। मैं बता देता हूँ अगर आप एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आप सिलेबस के हिसाब से तैयारी करें, तभी जाके आपका फाइनली सिलेक्शन हो पाएगा। बिल्कुल सिलेबस में अलग अलग टॉपिक वाइज कौन कौन से टॉपिक में, मैथ में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि दोस्तों ज्यादा पढ़ने वाले कैंडिडेट ही भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाते, तो आपको यह पता होना चाहिए कि क्या हमें पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साइट का लिंक दिया गया, पूरा सिलेबस आप एक बार जरूर देख ले, क्योंकि दोस्तों सिलेबस से तैयारी करोगे तो आपके सिलेक्शन में आपको काफी ज्यादा मदद मिलने वाली है। आयु की बात करें तो आयु में ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको छूट दी जाएगी तो 2 साल की आपको छूट यहाँ पर आयु में मिल सकती है और कम से कम 1 साल की आयु तो आपको आयु में छूट तो आपको मिलने ही वाली है। तो बिल्कुल दोस्तों जो कैंडिडेट 1 साल या 2 साल से ओवरेज होने जा रहे हैं उन सभी के लिए अच्छी बात है, उनको भी आयु में यहाँ पर छूट दी जाएगी। जो OBC वाले जो जनरल वाले कैंडिडेट हैं उनके ज़्यादातर कमेंट आ रहे हैं कि क्या सर 2 साल की जो छूट आयु में दी जाएगी SSC की तरफ से, क्योंकि अभी तक आयु में छूट देने को लेकर SSC की तरफ से कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। लेकिन मैं विप्रूफ के लिए आपको बता देता हूं कि SSGD कांस्टेबल भर्ती 2018 की जो कैंडिडेट थे, जो सभी मेडिकल फिट कैंडिडेटों को भर्ती करने की मांग दिल्ली के जंतर मंतर में कर रहे थे, उस समय SSC के कुछ अधिकारी आए और उनसे बातचीत की तो उन अभ्यर्थियों ने कहा कि सर काफी लंबा समय हो चुका है, नई वैकेंसी नहीं आ पाई है और उस वैकेंसी में हम मेडिकली फिजिकली और रिटर्न क्वालिफाई है लेकिन मेरिट के नाम से हमें बाहर कर दिया गया है, नई भर्ती में हमने तैयारी नहीं किए। तो SSC के अधिकारियों ने कहा कि नई भर्ती जब भी आएगी आपको आयु में छूट दे दी जाएगी। तो दोस्तों ऐसा SSC के अधिकारियों की तरफ से कहा गया था, तो हो सकता है आपको आयु में छूट मिल जाए और इस बार आपका नेगेटिव मार्किंग भी शामिल होने के पूरे पूरे चांसेस है, क्योंकि दोस्तों दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम करवाया गया SSC की तरफ से उसमें भी नेगेटिव मार्किंग SSC की तरफ से जब नोटिफिकेशन जारी किया था उसी समय बताया था, हो सकता है नोटिफिकेशन जारी हो उस समय आपको नेगेटिव मार्किंग का भी यहां पर ऑप्शन मिल सकता है। अगर नेगेटिव मार्किंग होती है तो आपकी मेरिट लिस्ट पर और कट ऑफ पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, आपकी कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा कम रहने के चांसेज है। तो दोस्तों ये थी एक मेरे द्वारा दी गई छोटी सी जानकारी। टेलीग्राम ग्रुप अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर SSC के रिगार्डिंग हर लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचती रहेगी, हर लेटेस्ट रिक्रूटमेंट रैलियों की अपडेट यहाँ पर आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो दोस्तों स्टूडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।